करने वाला है Vivo V70 Pro का अनबॉक्सिंग। सो गाइस देख सकते हो कोने पे लिखा है Vivo V70 Pro और यहाँ पे डुअल पॉप ऑफ सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, इसका मेन हाइलाइटेड चीज। सो गाइस ये एक डमी कॉन्सेप्ट है, मैं पहले ही बता दूं। और गाइस देख सकते हो कोने पे लिखा है 6 128 GB वाला वेरियंट मेरे पास है। एंड जो डिवाइस है इसका सबसे हाइलाइटिंग चीज है डुअल पॉप ऑफ सेल्फी कैमरा। एंड मोबाइल का फोटो दिए गए देख सकते हो फ्रंट एंड रेयर का। एंड इसमें आपको रेयर में 4 कैमरा देखने को मिलेगा। तो आगे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो सब कुछ आपको दिखाऊंगा इसका डुअल पॉप ऑफ सेल्फी कैमरा कैसे निकलता है, कैसे काम करता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स की साइड में Vivo V70 Pro लिखा है दो साइड पर। इसका स्पीड टेस्ट करूंगा, जो पॉप ऑफ सेल्फी कैमरा निकलता है ना उसका स्पीड टेस्ट करूंगा। आगे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। यानी फटाफट से हम लोग इसी Vivo V70 Pro का बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। पहले ही बता दूं एक डमी कॉन्सेप्ट है। बॉक्स को ओपन होने के बाद हमारा डिवाइस देखने को मिल जाता है, जो दिखने में कुछ इस टाइप का, आप लोग देख के पता लगा सकते हो एक डमी है। और गाइस देख सकते हो ये रहा अपना बॉक्स। बॉक्स के अंदर अपना चार्जर देखने को मिल जाता है Vivo का, सब दिखा के टाइम वेस्ट मैं करने वाला बंदा नहीं हूं। इसको हम लोग कर लेंगे साइड पर और सीधे बात करेंगे इसी Vivo V70 Pro मोबाइल के बारे में। तो गाइस देख सकते हो ये रहा Vivo V70 Pro, दिखने में बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। ब्लू कलर की वेरिएंट है, 4 कैमरे, यहाँ पे Vivo का ब्रांडिंग भी दिए गए हैं। तो ना हम लोग फ्रंट साइड के बारे में बात करते हैं। फ्रंट साइड में आपको पूरा फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक भी नॉच वॉच कुछ भी नहीं है, पूरा फुल व्यू डिस्प्ले देख सकते हो आप, शायद देख पा रहे हो। साथ ही साथ मैं इसका सेल्फी कैमरा भी ओपन कर लेती हूँ और दिखाती हूँ डुअल पॉप कैमरे की जो कितना फास्ट निकलता है, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग इसका कैमरा भी ओपन हम लोग कर लेते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा लगा तो देख सकते हो, मैं जो फ्रंट कैमरा क्लिक किया तब निकल गया। और एक बार देख लो, मैं करके दिखा रहा हूँ, चलो फिर एक बार करते हैं देखते हैं। क्लिक किया, थोड़ी सी स्लो है, मेरे को थोड़ी सी स्लो लगा। नहीं, ये जो कैमरा 16+2 मेगापिक्सल का, थोड़ी सी स्लो है 16+2 मेगापिक्सल का, ठीक है। रेयर में तो बताऊँ तो रेयर में आपको जो कैमरा देखने को मिलेगा 24+8+5+2 मेगापिक्सल की कैमरा देखने को मिलेगा। इसमें आपको 4 कैमरा देखने को मिलता है। रेयर में ब्लू कलर की वेरिएंट है, कुछ इस टाइप के आपको दिखने वाला है। 6.39 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड डिवाइस के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं, डमी कॉन्सेप्ट है। और 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। और नाउ हम लोग बात कर लेते हैं इसका प्रोसेसर के बारे में। तो गाइस ये जो डिवाइस है दिखने में तो मस्त है। एंड प्रोसेसर जो देखने को मिलेगा वो स्नैपड्रैगन 675, जो ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, एक मीडियम टाइप की प्रोसेसर बोल सकते हो। तो ओवरऑल ये जो डिवाइस दिखने में कुछ इस टाइप की। एंड फ्रंट में तो आपको 16+2 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले आपको 6.39 इंच की देखने को मिल रहा है। एंड डिस्प्ले आप लोग देख पा रहे हो, पूरा फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, यही सबसे बढ़िया बात। एंड इसका डुअल पॉप अप सेल्फी कैमरा सबसे लगा अच्छा, देख सकते हो मैं निकाल रहा हूँ भाई, मजा आ रहा है निकालने में, तो मजा आता है, ठीक है। तो गाइस ये जो डिवाइस मेरे को अच्छा लगा है कि डमी था, जितना भी स्पेसिफिकेशन मैं ऑनलाइन ढूंढ ढूंढ के निकाला हूँ वही बता दिया हूँ आपको। और एक डमी बनाया हूँ, जो अभी हाल ही में एक फ़ोटो लीक हुई थी, उसी लीक के वजह से मैं डमी बना पाया हूँ। और मैं बार बार कर बोल रहा हूँ डमी है, आप लोग क्यों कमेंट बॉक्स में ऐसे करते हो मेरे को तो पता नहीं। एक डमी है, ठीक है।